This is CACS श्वेता जैन. आई एम एन एडुकेटर एट HUPJ एंड आप जो भी वीडियो देख रहे हैं दिस इज स्पेसिफिकली फॉर मॉड्यूल 1 CS एग्जीक्यूटिव पेपर सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर. नाउ हमने देखिए क्या है भाई सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज. ये तो हम लोग को पता है बिजनेस कैसे स्टार्ट करना है, बट हम जब कंपनी सेक्रेटरीज बन जाते हैं, हम जब क्वालिफाइड CS हैं, तो हमें कैसे बिजनेस स्टार्ट करने की प्रोसीजर के बारे में सुनना है? नहीं, हमें बिजनेस बंद करने की प्रोसीजर के बारे में भी समझना है. तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, डेफिनेटली इम्पोर्टेंट है, बट करियर परस्पेक्टिव से सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है. इस सब्जेक्ट को हमें इतना स्ट्रॉन्ग बेस लेना है कि कल चल के जब मैं प्रैक्टिस करना चालू करूं तो मुझे ये कॉन्सेप्ट्स याद आए, यूज में आए. सो आई एम टेलिंग यू गाइस अगेन, इस सब्जेक्ट को आप फुल फोकस दीजिए. अब सब्जेक्ट को फुल फोकस देने का मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स याद करते चलना, पैराग्राफ्स पे पैराग्राफ्स, पेजेस पे पेजेस. व्हाट इज दैट? दैट इज व्हाट इज आई वुड से भागा भागी करना, मतलब सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना. कॉन्सेप्ट्स आर इम्पोर्टेंट, बट आई एम श्योर व्हेन यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू आर यू नो ऑलमोस्ट क्लोजर टू एग्जामिनेशन. शायद आपके एग्जामिनेशन को एक महीना बचा है, एक हफ्ता बचा है, एक घंटा बचा है या फिर एक दिन बचा है. तो उस समय क्या आप ये पैराग्राफ बाय पैराग्राफ तरीके से जाना चाहेंगे, जहां पे आप खुद भी जानते हैं कि हमारा प्रिपरेशन जो है वो स्लो होने वाला है. हम इस वीडियो में, इस मैराथन सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स. यस, यू आर लिसनिंग टू इट वेरी करेक्टली. टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर्स, टू द पॉइंट फॉर्म्स, सेक्शंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जहां आपको उन क्वेश्चंस के थ्रू मैं पूरा चैप्टर रिवाइज करके दूंगी. तो क्या मैं आपके लिए एक 6-7-8-9 घंटे का वीडियो एक लेके आने वाली हूँ जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है? नो, हम लोग सिलेक्टिव अप्रोच अपनाएंगे. व्हाट इज सिलेक्टिव अप्रोच? सिलेक्टिव अप्रोच में मैंने आपके लिए पूरे मैराथन सेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सो पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी. अब आप जानते हैं जब मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ तो बींग मी आई एम गोइंग टू बी वेरी सिलेक्टिव. सिलेक्टिव किस चीज में? बच्चे को मुझे 60 मार्क्स तक एग्जेम्पशन इज माय गोल. व्हेन आई से सेटिंग अप एग्जेम्पशन इज माय गोल एंड आई एम टेलिंग यू वेरी प्रैक्टिकली कि भाई किस तरीके से आप इस एग्जेम्पशन के गोल तक पहुंच सकते हो. एग्जेम्पशन के गोल तक जब आपको पहुंचना है तो आपको क्या करना है? सबसे पहले सबसे ज्यादा वेटेज वाले सेक्शन को उठाना है और उसका प्रिपरेशन खत्म करके रख देना है. आप सोच रहे होंगे ये कौन सा लॉजिक है, ये मतलब ये सबसे ज्यादा वेटेज, सबसे ज्यादा इजी सेक्शन क्या होता है? भाई सेक्शन सी को मत भूलिएगा. सेक्शन सी में आप बात करने वाले हो विथ रिगार्ड टू ओनली 3 चैप्टर्स, लेकिन मार्क्स है 25. यहाँ पे मेरा रॉक सॉलिड बेस बन जाता है. जिस वक्त मैंने एग्जामिनेशन परस्पेक्टिव से चैप्टर्स 19, 20 और 21 को पक्का कर लिया, वहां पे मेरे 60 की गारंटी मैं देती हूँ आपको. तो इसके लिए हम लोग अभी हमारा मैराथन स्टार्ट करने वाले हैं. उसके पहले कुछ पॉइंटर्स मैं आपको दे देती हूँ. अगर आप जो ये मैराथन की नोट्स देख रहे हैं जिनसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप फुल्ली अपडेटेड लेटेस्ट नोट्स विच आर एक्चुअली बेनिफिशियल फॉर डिसम्बर 2020 एग्जामिनेशन, आपको अगर ये नोट्स चाहिए है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, आपको इसकी लिंक मिलेगी. आप उसमें अपना डिटेल्स भरिए और आपको ये नोट्स मिल जाएंगे. साथ ही साथ में मैंने अभी कहा कि दिसंबर 20, तो जून 21 वाले बच्चे सोच रहे होंगे हमारे लिए क्या है. अरे जून 21 तुम्हारे लिए तो यहाँ पे सबसे बड़ी लॉटरी है. आप क्या कर सकते हो इन नोट्स के थ्रू कैसे प्रिपेयर करना है 21 एग्जामिनेशंस के लिए वो डिसाइड कर सकते हो. हमारे 2020 के बच्चे जो है, दिसंबर 2020 के रॉकस्टार्स जो है, वो तो इसकी मदद के थ्रू एग्जाम में एग्जेम्पशन लाने वाले हैं. 21 के स्टूडेंट्स हमारे अभी से तैयारी करेंगे भाई किस तरीके से पढ़ना है. तो ये जो मैराथन है ये फुल्ली टारगेटेड है. ये बाकी सब मैराथन जैसा नहीं है जहां पे हम लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट को फटाफट उड़ाते जा रहे हैं. ये आपके लिए टू द पॉइंट है. क्वेश्चंस के साथ में कैसे क्वेश्चंस लिखना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है. हर 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 मार्क्स ऐसे होते हैं जो आपके प्रेजेंटेशन के लिए उड़ जाते हैं, तो उस पर भी फोकस करेंगे. तो ये सारी बातें भी हम लोग करने वाले हैं हमारे मैराथन में. चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा मैराथन. चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे पार्ट सी से. पार्ट सी को स्टार्ट करने के पहले पूरा प्रोसेस समझ लेते हैं किस तरीके से ये आपका मैराथन होने वाला है. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है सेटिंग अप
अब इस सब्जेक्ट के बाद में हम लोग करने क्या वाले हैं, इसको तीन हिस्सों में डिवाइड करेंगे। तो आपको बचे हुए वीडियोस भी ध्यान से देखना है, उसकी मदद से आपको एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। सचिन आपको मैं तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। अब यहाँ पे ये पार्ट्स तो आपके मॉड्यूल्स में भी है, आपको पता है कि ये तीन पार्ट्स है, बट मेरे लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे लिए सबसे ज्यादा मार्क्स के एंगल से पार्ट सी इंपॉर्टेंट है। पार्ट सी में मैं 25 मार्क्स फुल्ली कवर करती हूँ। मैं इसको कॉन्सेप्ट के क्लैरिटी, डेप्थ, पोर्शन, सिलेबस के हिसाब से फर्स्ट स्टार दूंगी। ये मेरे लिए स्टार मार्क रहेगा कि भाई मैं सबसे पहले यहां से 25 नंबर कवर कर रही हूँ। उसके बाद में मैं क्या करने वाली हूँ, शिफ्ट करने वाली हूँ पार्ट ए पे। बच्चा एग्जामिनेशन स्ट्रैटेजी है, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है, गोल्डन एग्जेम्पशन स्ट्रैटेजी है, ध्यान से देखिए। यहां से मैं 40 नंबर कवर करके मैं इसके तरफ आगे बढ़ जाती हूँ 35 नंबर्स पार्ट बी में, जहां पे बहुत सारे एक्ट्स है, कंप्लायंसेस है, फॉर्म्स है, डिटेल्स है, रजिस्टर्स है, रिकॉर्ड्स है, सब कुछ है आपके लिए। तो मुझे यहाँ पे समझाना है बच्चा आपको कि किस तरीके से हम लोग इस प्रिपरेशन को, इस पूरे प्रोसेस को एंजॉयबल, फन और साथ ही साथ में स्कोरिंग बना सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको कह रहा है कि आप लोगों को सेक्शंस ध्यान नहीं रखने हैं, सेक्शंस आपको ध्यान रखने हैं, ये हमारे लिए पेपर में जान डाल देते हैं। अगर हम एक 5 नंबर के क्वेश्चन का अगर मैं डिसेक्शन करना चाहूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 3 नंबर जो है आपके, यहाँ पे हमारे जो 2.5 नंबर है करीबन, वो हमारे कंटेंट के लिए है, स्ट्रेट अवे ऑन द कंटेंट पार्ट। बचा हुआ 1 से 1.5 नंबर मैं कितने रेलेवेंट सेक्शंस, फॉर्म्स और एक्ट्स के बारे में डिस्कशन करती हूँ, उस बारे में है। एंड लास्ट, ये मेरे 4 मार्क कवर हो गए, लास्ट का 1 मार्क मैं भाई अच्छा प्रेजेंटेशन, व्हेन आई से अच्छा प्रेजेंटेशन, डू आई मीन टू से रेड कलर पेन यूज करो, ब्लैक कलर पेन यूज करो, डबल अंडरलाइन करो, बॉक्स बनाओ? नो, आई डोंट मीन टू से दैट। अच्छा प्रेजेंटेशन मींस एक ऐसा क्रिस्प लूसिड प्रेजेंटेशन जिससे मुझे आंसर और उसके कंटेंट पढ़ने में मजा भी आए और साथ ही साथ में बहुत ईजी भी लगे। मैंने यहाँ पे आपके लिए कहीं कुछ जगहों पे फ्लोचार्ट्स बनाए हैं, साथ में साइमल्टेनियसली हम लोग देखते चलेंगे कि कैसे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को फ्लोचार्ट्स के तौर पे कनेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए, एंड दैट इज व्हाट वी डू। सो व्हाट डू वी से, गोल 60, गोल एग्जेम्पशन, यस, कीप दिस इन योर माइंड एंड आई एम श्योर आप अगर मेरे बताए हुए स्टेप्स को फॉलो करेंगे, इस मैराथन को ध्यान से देख के प्रिपरेशन अपना बनाए रखेंगे, आपका गोल एग्जेम्पशन डेफिनेटली होने वाला है। दैट गोल्डन नंबर, लेट अस स्टार्ट विद, यहां से मुझे कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, 25 मार्क्स मेरे होने वाले हैं। तो 25 मार्क्स के लिए चलिए अभी तैयारी करते हैं। जिस वक्त मैं पहला चैप्टर ले रही हूँ, दैट इज गोइंग टू बी डोमेंट कंपनी। अब जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया था, सेटिंग अप क्या है भाई, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड इट्स क्लोजर। तो सबसे पहले हमने बोला बिजनेस बंद करना आसान है, चलिए बिजनेस बंद करने की तरफ चले जाते हैं। तो हम लोग पार्ट सी में आ गए, जहां पे हम लोग बिजनेस करने, बंद करने के बारे में बात कर रहे हैं। तो भाई बंद किसको करना है, बंद उस कंपनी को करना है जो सो रही है। अब डोमेंट कंपनी, डोमेंट कंपनी क्या होती है उसको क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे। राइट शॉर्ट नोट ऑन डोमेंट कंपनीज, साथ ही साथ में लिखने वाले हैं, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस व्हाइल डिटरमाइनिंग द स्टेटस ऑफ अ कंपनी एज अ डोमेंट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सबसे पहले यहाँ पे जो बच्चा आंसर लिख रहा है उसके आंसर में मैं कुछ एडिशंस करना चाहूंगी। अब ये आंसर जो है, लिखने का फॉर्मेट जो है, ये आप जानते हैं, तो कंटेंट है, ये आपके ईज के लिए ऐसा लिखा है। यहाँ पे अगर मैं आंसर लिख रही हूँ तो मैं किस तरीके से आंसर बनाऊंगी, आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे राइट फ्रॉम दी एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव, आई एम गोइंग टू स्ट्रेट अवे राइट फ्रॉम योर गोल एग्जेम्पशन पर्सपेक्टिव। यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, यहाँ पे मुझे सबसे पहले लिखना है भाई सेक्शन 455, ध्यान दीजिए, सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। मैं शॉर्टकट में लिख रही हूँ, आप फुल फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है।
आप कंपनीज एक्ट 2013 पूरा लिखेंगे। सेक्शन 455 किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारी डोरमेंट कंपनीज को। तो ये सेक्शन आपने डाल दिया। आधा नंबर एग्जामिनेशन जो चेक करने वाला चेकर पेपर चेकर है वो आपको खुशी खुशी दे देगा, भाई बच्चा कितना स्मार्ट है, सेक्शन नंबर लिखता है। तो यहाँ पे सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 किसके बारे में बात करता है? हमारे डोरमेंट कंपनीज के बारे में बात करता है। डोरमेंट कंपनीज अभी के लिए मैं कॉन्सेप्ट आगे भी डिस्कस करूंगी, बट ये वो कंपनीज है जो सो रही है, जो कुछ पीरियड के लिए कुछ समय के लिए सो रही है, और साथ ही साथ में एक लिस्ट बना लेते हैं कि इसमें कौन से मुझे फॉर्म नंबर्स और सेक्शन नंबर्स मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला तो मैं आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ, नंबर वन पोजीशन पे मेरे लिए है सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। नेक्स्ट मेरे लिए जो रेलिवेंट आ जाते हैं भाई MGT 14, ये फॉर्म का जिक्र बार बार होने वाला है। तीसरा मेरे लिए है MSC 1, MSC 2, साथ साथ में अपने मन में रिपीट करते जाइए MSC 3, MSC 4 एंड MSC 5। भाई ये जो 6 डिटेल्स हैं आपके पास में, और साथ ही मेरी सेक्शन 455 लिख दीजिए, आपके आंसर्स जो है गोल्डन आंसर्स बन जाएंगे। तो देखते हैं अभी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस किस तरीके से हम लोगों ने लिखा है, इसको मैं क्या कर सकती हूँ, फ्लो चार्ट के तौर पे भी लिख सकती हूँ। प्रेजेंटेशन ये गलत नहीं है, मैं ये नहीं कहूंगी कि ये प्रेजेंटेशन गलत है, बट मैं ये आपको जरूर समझाने वाली हूँ कि इसको बेहतर कैसे बना सकते हैं। ओके, सो लेट अस वर्क ऑन दिस इन द फर्स्ट चैप्टर वी आर डिस्कसिंग, तो हमारे लिए आगे बहुत आसान हो जाएगी चीजें। तो चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंट, अपने साथ में अपने बुक्स में पेन पेपर के थ्रू आप ये नोट्स करते जाइए, बनाते जाइए, ताकि आपके लिए आसान हो जाए सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। अच्छा, अगर आपको ये नोट्स चाहिए है तो आपको क्या करना है, आपको मैंने पहले भी समझाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को फिल करना है। आपको ये जो नोट्स है जो मैं यूज कर रही हूँ आपको मैराथन पढ़ाने के लिए, वो आपको मिल जाएंगे। प्लीज मेक द मोस्ट ऑफ दिस नोट्स, दे आर फुली अपडेटेड, दे आर विथ फुल फोकस ऑन एग्जामिनेशन, और आपके लिए लेटेस्ट अवेलेबल नोट्स हैं। यहाँ पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या होता है? इट मींस एनी अदर ट्रांजैक्शन अदर देन, यहाँ पे अदर देन बोला, यानी भाई नेगेटिव। ये चारों ट्रांजैक्शंस को मैं सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानूंगी। सबसे पहले पेमेंट ऑफ फीस टू ROC, ओके, पेमेंट मेड टू फुलफिल एनी रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनीज एक्ट और एनी अदर लॉ। पेमेंट मेड, तो इसको मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखने वाली हूं, पेमेंट्स मेड टूवर्ड्स कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट इज अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, अगर कुछ पेंडिंग है तो वो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स कहेंगे हम लोग। एंड लास्ट में जो हमारे लिए भाई ऑपरेटिंग बेसिक ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है उसके बारे में बात करेंगे, पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स। ऑपरेशन के लिए जो बेसिक हमें बेसिक डे टू डे ऑपरेशन के लिए खर्चे करने पड़ रहे हैं, मिनिमम मोस्ट खर्चे करने पड़ रहे हैं उसके बारे में। अभी ये चार चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे से एक फ्लो चार्ट के थ्रू में लिख दिया है जो आप यहाँ पे देख रहे हो। इसको मुझे करना क्या है, इसके नीचे मुझे वन वन पॉइंटर्स में क्रिस्प तरीके से एकदम बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से एक्सप्लेनेशन देना है, और तैयार हो गया मेरे 5 नंबर का मार्क्स का आंसर। अभी ये आपको 5 में से 5 दिलाने की क्षमता रखता है। आप इस पर बहुत अच्छा फोकस करिए, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए, एंड आपके मार्क्स जो रहेंगे वो 100% गारंटीड आपको मिलेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वांट टू फॉर्म अ कंपनी फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। मेरे लिए यहाँ पे देखिए फ्यूचर प्रोजेक्ट बोला, यानी मुझे पता है मुझे डोरमेंट कंपनी चाहिए। ये इस तरीके से आपको हिंट मिल जाती है कि यहाँ पे मुझे डोरमेंट कंपनी के बारे में बात करनी है। एंड एक्वायर द स्टेटस ऑफ अ डोरमेंट कंपनी, द ग्रुप सीक्स योर एडवाइस अबाउट द प्रोसीजर एंड कंडीशंस टू बी कंप्लाइड विद अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अब यहाँ पे हम डोरमेंट कंपनी का मतलब देख रहे हैं। डोरमेंट कंपनी को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, रजिस्टर्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट। ये हो गया मेरा
आपके सामने एक्सप्लेनेशन तो मैं है वो पढ़ने भी वाली हूँ, साथ ही साथ में आपको फिर से फ्लो चार्ट कैसे इंट्रोड्यूस करना है वो भी सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हूँ मैं, और दूसरी चीज जो मैं लिखने वाली हूँ, टू होल्ड एन एसेट, किसी एसेट को देन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। साथ ही साथ में भाई हमने आपको एक चीज समझा देनी है कि भाई हैज नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। तो ये चीज हमने ऊपर पॉइंट्स में देखी है, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, और एक पॉइंट यहां पे ऐड कर देते हैं, इज एन इनएक्टिव कंपनी। उन कंपनीज को हम कहते हैं कि डोमेंट कंपनी, ये आपने बता दिया। और उसके बाद में चलिए हम ये लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। डोमेंट कंपनी मीन्स any of the following type of company, a company which has been formed and registered for a future project, yahan pe cover kiya, or to hold an asset or an intellectual property and has no significant accounting transaction and also is an inactive company. A company can obtain status of a dormant company by so moto, yahan pe hum kya kehte hain bhai, so moto yani aap kar rahe ho khud ke hisab se, khud ke खुद का आपने क्या किया भाई, सोच लिया है हमको डोमेंट कंपनी बनना है, तो आप फाइल कर सकते हो आरओसी के पास में एप्लीकेशन, और एल्स आरओसी कैन डिक्लेयर अ कंपनी एज अ डोमेंट कंपनी। रजिस्ट्रार शैल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ ऑफ नेम ऑफ द कंपनी। हर जगह जहां पे आप प्रोसेस बता रहे हो, उसका पूरा प्रोसीजरल पार्ट बता रहे हो, वहां पे जरूरी भी है आपको ये बताना कि अगर आपने प्रोसेस और प्रोसीजर को कंप्लीट नहीं किया या ठीक तरीके से फॉलो नहीं किया तो उससे आपको क्या हानि हो सकती है, उससे आपको क्या डैमेज हो सकता है। रजिस्ट्रार शाल इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी इफ द कंपनी रिमेन्स अ डोमेंट कंपनी फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड, फॉर अ कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 5 years, इसके बारे में ध्यान दीजिएगा। ऑल्सो प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द कंपनी फॉर ऑब्टेनिंग डोमेंट स्टेटस ऑन सो मोटो बेसिस। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉर्म MSC 1 और MSC 2 के बारे में बात कर रहे हैं। इन फॉर्म्स के बारे में लास्ट में मैं आपसे डिटेल में बात करने वाली हूँ, अभी के लिए बता दे रही हूँ कि फॉर्म MSC 1, 2 मेरे पास में यहाँ पे आने वाला है, MSC 3 भी जल्दी ही एंट्री लेने वाला है, MSC 4 है एंड MSC 5 है। ओके, सो व्हाट आर द प्रिविलेजेस, नाउ लेट अस टॉक अबाउट, मीनिंग तो हम लोग समझ चुके हैं, नाउ लेट अस टॉक अबाउट व्हाट आर द प्रिविलेजेस एंड एग्जेम्पशंस अवेलेबल टू अ डोमेंट कंपनी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। ये तो हो गया आपका स्ट्रेट क्वेश्चन, बट हम सब जानते हैं अभी जो हमारे CAS एग्जीक्यूटिव के पेपर्स ला रहा है ICSI, उसमें हमें केस लॉ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जहां पे आपसे आपके ओपिनियंस पूछे जाते हैं, जहां से आपको एडवाइस करने को कहा जाता है, तो उन क्वेश्चंस को भी कैसे टैकल करना है अभी इस क्वेश्चन में देखेंगे। अंशुल गोल्ड फॉर्म लिमिटेड हैज ऑब्टेन द स्टेटस ऑफ अ डोमेंट कंपनी ऑन 15 December 2018। एन्यूमरेट द प्रीवियस प्रोविजंस व्हिच कंपनी शैल बी एंटाइटल्ड टू अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। अब इसको हम लोग 5 गोल्डन पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे। सबसे पहला गोल्डन पॉइंट है मेरा फैक्ट्स ऑफ द केस, सेकंड में क्या लिखूंगी एप्लीकेबल, ये हर जगह मेरे लिए कॉमन लेने वाला है, एप्लीकेबल फॉर्म, रेलेवेंट सेक्शन। अगर बच्चा आपको दोनों में से कुछ भी नहीं पता है, एप्लीकेबल फॉर्म नहीं पता है, रेलेवेंट सेक्शन नहीं पता है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे एप्लीकेबल एक्ट लिख दीजिए। हमारे लिए तो सिंपल है, मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारे लिए कंपनीज एक्ट 2013 हो जाती है। डरने की बात नहीं है, हर चीज का सोल्यूशन है, हर एक्ट नंबर आपको ध्यान हो जरूरी नहीं है, हम भी समझते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा प्रेजेंटेशन डिप कर जाए। ओके, इसके बाद में हम लोगों को क्या लगता है यहाँ पे उसका एनालिसिस ऑफ द केस, लास्ट में जब आप लिख रहे हैं यहां पे आपके लिए रहने वाला है आपका कंक्लूजन। ओके, तो यहां पे मैंने क्या कर लेना है, फैक्ट्स, एप्लीकेबल फॉर्म, सेक्शन, रेलेवेंट एक्ट, जो भी आपको ध्यान में आया है वो, एनालिसिस, और लास्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है जहां पे मुझे क्लोजर देना है क्वेश्चन को कि भाई क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए, यहां पे कंक्लूजन। कंक्लूजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपकी पूरी मेहनत, ऊपर के जो 3 पॉइंट्स है उनकी पूरी मेहनत का क्रक्स है।
फैक्ट्स ऑफ द केस में जो क्वेश्चन ने लिखा है उसी को थोड़ा सा आपको बताना है एग्जामिनर भैया को, उसके बाद में उसको समझाना है कि देखो मुझे पता है कौन सा सेक्शन नंबर है, कौन सी एक्ट लगने वाली है और इस केस में मैं क्या करने वाली हूँ, क्या ओपिनियन देने वाली हूँ, कि मैं बात किस में करने वाली हूँ, एनालिसिस ऑफ द केस में, एंड लास्ट में एक लाइन में आपका कंक्लूजन। तो हम लोग अभी देखते हैं कौन से exemptions और कौन से points applicable है हमारे dormant company को। So dormant company is required to hold only one meeting of the board। यहाँ पे हमें क्या करना है, highlighted portion पे ध्यान दीजिए, only one meeting of the board of directors in each half of the calendar year। However the gap between the two meetings should not be less than 90 days। Okay? Then dormant company is not required to conclude the cash the statement of cash flow in its financial statement। हमें यहाँ पे cash flow बनाने की जरूरत ही नहीं है बिल्कुल भी। And the provision of rotation of auditors is not applicable in case of dormant company। नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं, डोमेन कंपनीज एंजॉय द एडवांटेजेस ऑफ लोअर स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस कॉस्ट एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, क्योंकि ये इनएक्टिव कंपनी है, इनके लिए जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस की कॉस्ट है ये भी कंपैरेटिवली कम रहने वाली है। डोमेन कंपनी स्टेटस इज एन एडवांटेज टू प्रमोटर्स हु वांट टू होल्ड एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और एसेट अंडर द कॉर्पोरेट शील्ड फॉर इट्स यूसेज एट अ लेटर स्टेज। वर्ड ध्यान दीजिए भाई, कॉर्पोरेट शील्ड, इस टाइप के आप वर्ड्स ऐड करेंगे, एग्जामिनर आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे मार्क्स देने वाला है देन इन दैट केस। ओके, सो इस टाइप के वर्ड्स को भी हमें हाईलाइट करना है पढ़ते वक्त, ताकि ये हमें ध्यान में रहे और इनको हम हमारे एग्जामिनेशन के पेपर्स में लिख सके। लेकिन फिर से हमारा छोटा सा कंपनी को एक सजेशन कि कंपनी आप ध्यान रख रही है, आपको ये बेनिफिट्स तो है, ये प्रिविलेजेस तो है, कंक्लूजन में ये पॉइंट डालना मत भूलिएगा कि आप क्या कर सकते हो, ये प्रिविलेजेस का फायदा उठा सकते हो, इन बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन कब तक, जब तक आपके कंजर्केटिव 5 ईयर्स नहीं होते। अगर आपने कंजर्केटिवली 5 ईयर्स तक डोमेंट कंपनी का स्टेटस एंजॉय कर लिया तो हमारे आरओसी जो है वो आपको चैप्टर नंबर 20 और 21 में लेके जा सकते हैं, जो भाई किसी भी कंपनी के लिए बड़े अच्छे चैप्टर्स नहीं है। तो रुक जाइए, कंसेक्यूटिवली 5 ईयर्स कहा तो आपका प्रोसीजर पार्ट स्टार्ट हो जाएगा एंड आपका नाम स्ट्राइक ऑफ किया जाएगा। सो लेट अस सी व्हाट इज आवर डिस्टिंग्विश बिटवीन स्मॉल कंपनी एंड इनएक्टिव कंपनी। अ स्मॉल कंपनी कौन सा सेक्शन, चलिए अभी हमारी सेक्शन लिस्ट हम लोग जब लास्ट में इस चैप्टर में करेंगे वहां पे और सेक्शंस ऐड करते हैं। स्मॉल कंपनी का मतलब है भाई सेक्शन 285। स्मॉल कंपनी मींस अ प्राइवेट कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल डज नॉट एक्सीड 50 लाख और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड विच शैल नॉट बी मोर देन रुपीज 10 करोड़ और टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस account does not exceed rupees 2 crore or such higher amounts as may prescribed which may not be more than which shall not be more than 100 crore। ये आपके points हो गए उसके limits को लेके। Nothing in this definition shall apply to these means the following companies cannot be। कौन सी companies नहीं हो सकती है small companies, हमारी holding और subsidiary companies, company registered under section 8। section 8 companies कौन सी होती है, ये हमारी हो जाएगी भाई हमारी नॉन प्रॉफिट वाली ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज एंड कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। इनको भी हम लोगों ने कहा है कि आप क्या नहीं बन सकते हो, आप स्मॉल कंपनी नहीं बन सकते हो। Inactive company means a company which has not been carrying on any business or operation or has not made any significant accounting transaction। अभी मैं यहाँ पे आपके लिए inactive company का एक छोटा सा real time flowchart बनाने वाली हूँ। Inactive company हमने कौन से points देखे हैं, not carrying out। अब not carrying out तो बना दिया है, इसके साथ में क्या, any business और operation। इसके बाद में यहां पे लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स साथ साथ में बनाते जाइए, लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग
ट्रांजैक्शंस नहीं करने हैं। दो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस कर देती हूँ यहाँ पे, देखिए किस तरीके से हम लोग बना रहे हैं साथ में। एंड हैज नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स ड्यूरिंग द लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स। अब साथ ही साथ में नॉन फाइलिंग ऑफ, क्या नहीं फाइल किया है हम लोगों ने, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न्स। चलिए क्विक रिकैप कर लेते हैं इनएक्टिव कंपनी का। इनएक्टिव कंपनी मींस मेरे फ्लोचार्ट पे फोकस करिए, यहाँ पे फ्लोचार्ट पे अच्छे से ध्यान दीजिए। नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस और ऑपरेशन फॉर लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स, ऑल्सो देर आर नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, जिसके बारे में मैंने आपसे ऊपर ही बात की थी। अगर आप चाहें तो वीडियो को थोड़ा सा रिवर्स में लेके जाइए और फिर से वो पॉइंट को रिवाइज कर लीजिए। ऑल्सो नॉन फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड एनुअल रिटर्न फॉर लास्ट टू फाइनेंशियल ईयर्स, ये भी हम पिछले दो सालों से नहीं कर रहे हैं। ओके अभी फिर से एक बार बात करने वाले हैं बेनिफिट्स ऑफ अ डोर्मेंट कंपनी। आई एम श्योर कि आपका कॉन्सेप्ट रिवीजन साथ ही साथ में क्वेश्चन आंसर्स से जो थोड़ा सा एक हम प्रैक्टिस कम कर लेते हैं कुछ बच्चे, वो भी आपका जो प्रॉब्लम है यहाँ पे सॉल्व हो रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मोस्ट पीपल आस्क इज व्हाई इनकॉर्पोरेट अ कंपनी ओनली टू गेट अ डोर्मेंट स्टेटस। देखिए इस तरीके से जब हम सेंटेंस लिखते हैं ना, यहाँ पे हमारे दिमाग में एक थॉट आता है, वाओ दिस इज अ क्यूरियोसिटी बिल्डर। वैसे ही आप लिखेंगे आपके पेपर में तो एग्जामिनर के मन में आएगा, अरे वाह ये बच्चे ने वैलिड क्वेश्चन तो पूछा है ना, दिमाग में तो आता है ना। अगर हमको कंपनी स्टार्ट ही नहीं करनी है तो हमें उसका डोमेन स्टेटस के लिए भी क्यों अप्लाई करना है। ओके द फर्स्ट क्वेश्चन दैट मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क इज व्हाई इनकॉर्पोरेट अ कंपनी ओनली टू गेट अ डोमेन स्टेटस फॉर इट। द प्राइमरी रीजन फॉर सिक्योरिंग द स्टेटस ऑफ अ डोमेन कंपनी इज टू इंश्योर दैट कंपनी कंटिन्यूस टू रिमेन अ लीगल एंटिटी डिस्पाइट नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस। लिख दीजिए यहाँ पे आपका गोल एग्जेम्पशन को पक्के से कवर कर लेगा। Here are the few benefits of getting the status of a dormant company. Retaining name of the company, the unique name can be retained. इसके बारे में हम लोग Spice Form Plus और Agile Pro के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, जो कि recent amendments है, but that will come in other sections, other parts of setting up of business and its closure. And next जो है for future projects, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि भाई this could signify the intention of a company to start a business but has chosen to remain dormant to wait for the completion of other formalities. For instance, a company can be created to buy a land or property for running its business but can remain dormant until all the other formalities are completed. I hope you are enjoying what we are doing. Also, अभी हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कौन से sections से अभी हम लोगों ने दोस्ती कर ली। चलिए उसका एक recap करते हैं। सबसे पहले हमने देखा है, एक मिनट दीजिए मुझे, yes, सबसे पहले हम लोगों ने देखा है कि dormant company का section क्या है। तो dormant company के बारे में जब मैं बात कर रही हूँ, dormant company के लिए मैंने लेना है section 455 of the Companies Act 2013। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे आपके लिए कंपनीज Act 2013। इसके बाद में हम लोगों ने एक छोटा सा सेक्शन देखा था, कौन सा देखा था, कौन सा देखा था याद करिए, सेक्शन 285। ये किसके बारे में बात करता है, हमारी स्मॉल कंपनीज के बारे में। मैंने आपसे बात कहा था MGT 14 हमारा स्पेशल रेजोल्यूशन है, जिस वक्त हम इसे क्या करते हैं ROC के साथ में फाइल करते हैं, टू बी फाइल्ड विद ROC विद इन 30 days ऑफ पासिंग। ओके देन यहाँ पे हमारे पास में और 5 फॉर्म्स है, तो यहाँ पे क्या करना है, MSC 1, MSC 2, MSC 3, MSC 4, मेरे साथ साथ में लिस्ट करते जाइए, एंड MSC 5 के बारे में हम बात करेंगे। MSC 1 वो फॉर्म है जहाँ पे कंपनी अप्लाई करती है ROC को टू गेट अ स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी, मतलब एन एक्टिव कंपनी अप्लाइज टू ROC टू गेट एन स्टेटस ऑफ डोमेंट कंपनी। तो यहाँ पे आपका ये ई फॉर्म बन जाता है, ई फॉर्म है आपका MSC 1, जहाँ पे कंपनी ऑन इट्स ओन सो मोटो अप्लाई करती है टू ROC फॉर गेटिंग द स्टेटस
getting status of dormant company. ओके देन एनएससी 2 में आरओसी जो है भाई बोलता है वाओ आपने अप्लाई किया सारी प्रोसीजरल पार्ट फुलफिल कर दी, अब इसके बाद में आपको हम लोग वो स्टेटस दे देने वाले हैं। तो ये स्टेटस जिस वक्त हम लोग देते हैं क्या करने वाले हैं, स्टेटस के साथ में आरओसी हमें एक सर्टिफिकेट भेजेगा। अब ये जो सर्टिफिकेट है दैट विल बी एन अश्योरेंस, दैट विल बी द फाइनल स्टेप कि आप एक डोमेन कंपनी बन गए हैं सेक्शन 455 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में। तो इसका हमें एक फिजिकल कॉपी मिलने वाला है। ओके चलिए इसको थोड़ा सा हम ओके थ्री क्या है भाई, जितने सालों तक आप क्या रहते हैं, आप एक डोमेंट कंपनी रहते हैं उस समय आपको क्या करना है, आप लोगों को एमएससी 3 में डोमेंट कंपनी आपकी जो कंपनी कुछ काम नहीं कर रही है बेसिक ऑपरेशंस पे जिंदा है वो कंपनी, उसके फाइनेंशियल डिटेल्स उसके डिटेल्स आपको आरओसी के पास में सबमिट करने हैं। तो एमएससी 3 फॉर्म में मैं आरओसी के पास में सारे रिकॉर्ड्स जो है जब तक मैं डोमेंट कंपनी हूँ उस समय वो सबमिट करती हूँ। एमएससी 4 में भाई हम लोगों ने देखा था, भूलिएगा नहीं बिल्कुल, कि एमएससी 4 में हम लोगों ने देखा था कि भाई किस तरीके से हमारी जो कंपनी है वो 5 कंसेक्यूटिव सालों से, यहाँ पे हाई अलर्ट आ जाएगा अगर 5 कंसेक्यूटिव सालों तक आप अगर डोमेंट कंपनी बने रहते हैं तो वहां पे आपका कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा रजिस्टर ऑफ कंपनी से। तो एमएससी 4 में हमारी कंपनी जो है वो अप्लाई कर देती है, हमारी जो डोमेंट कंपनी है वो अप्लाई करती है रजिस्ट्रार को कि बोलती है अब हमें नहीं रहना है डोमेंट कंपनी, अब अभी आप हमें बना दो एक एक्टिव कंपनी। तो एमएससी 4 में हमारी कंपनी जो है वो अप्लाई कर रही है आरओसी को कंपनी। अब ये कौन सी कंपनी है हमारी, ये हमारी डोमेंट कंपनी है, ये डोमेंट कंपनी अप्लाई कर रही है आरओसी को टू ग्रांट स्टेटस, ध्यान दीजिए ग्रांट स्टेटस ऑफ एन एक्टिव कंपनी। अब आरओसी अगर खुश हो जाए, उनको लगे सारी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज फुलफिल्ड है कंप्लीट है, तो वो आपको फिर से एक सर्टिफिकेट इशू कर देंगे। That certificate will be a physical copy. अब ये जो है ये सर्टिफिकेट रहेगा टू बी इश्यूड बाय आरओसी। ओके अब यहां पे आप ध्यान दीजिए, ये जो आपका एमएससी 4 है दैट इज गोइंग टू बी एन ई फॉर्म। इसमें क्या होगा, हमारी जो डोमेन कंपनी है वो अप्लाई करेगी आरओसी को, और आरओसी अगर पूरी तरीके से सैटिस्फाइड है कि सारी प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर ली गई है सारे स्टेप्स कंप्लीट कर लिए गए हैं तो उन्हें क्या प्रॉब्लम है, वो आपको एक्टिव स्टेटस दे देंगे। आई होप दिस हैज बीन वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, आप लोगों को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। हम लोगों ने बहुत सारे सेक्शंस जो है फटाफट रिवाइज कर लिए हैं एंड दैट इज द वे इट हैज टू बी डन। सो लेट अस गो टुवर्ड्स अनदर chapter number 20 in part C, that is striking off and restoration of name of a company and LLP. चलिए आगे इसमें देखते हैं कौन से sections जो है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। The registrar has so motor struck off name of the MS A to Z solutions LLP from the registrar as registrar has reasonable cause to believe that LLP is not carrying out any business for last 2 years. Being aggrieved by the order of the registrar, the LLP wants to file an appeal before NCLT. NCLT kya hai hamare National Company Law Tribunal for restoration of name of the LLP. Advise the LLP on the procedure to be followed for making an application to NCLT. हमें एडवाइस करना है, अगेन केस लॉ बेस्ड क्वेश्चन आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको टू द पॉइंट्स दिए हैं भाई, आपके लिए एग्जामिनेशन एंगल से भी इम्पोर्टेंट चीजें मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, और इसको हम लोग प्रेजेंटेशन के वो जो हमारे 4-5 पॉइंट्स हैं उसके ब्रैकेट में भी बिठाएंगे और उसी तरीके से सोचेंगे। Let us see what is the procedure for making an application to NCLT in case if you are aggrieved by the decision taken by the registrar to strike off your name from the register of companies.
An application is to be filed before the bench of NCLT where the registered office of LLP is situated in form NCLT-9. सबसे पहला फॉर्म जो हमारा आ रहा है फॉर्म NCLT-9. Such an application should be accompanied by various documents showing that the LLP is active and that the name of the LLP should be restored, restoration of name in the register of companies. A copy of application or appeal is required to be sent to the registrar. Registrar may send his report to NCLT along with his comments and views on the restoration of the name of LLP. NCLT, after hearing all the parties, shall pass an appropriate order for restoration of name of the LLP in the register. यहाँ पे अभी तक हम लोगों ने दोस्ती किससे की है? Form NCLT-9 में जिसमें हमारी LLP जो है apply करने वाली है to हमारे NCLT को for restoration of name of the LLP in the register, okay? Next बात करते हैं, Mrs. B for you contractors or LLP registered under the LLP Act 2008 desires to make an application for removal of name of the LLP from the register. Advise the LLP for the procedure to be followed by in this regard. सबसे पहले चलिए देखते हैं इसकी कौन सी प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है जहां पे हम लोग एलएलपी जो है एप्लीकेशन दे सकती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास में कि भाई हमारा नाम जो है वो हटा दीजिए. सबसे पहले हमको मीटिंग ऑफ पार्टनर्स ऑफ द एलएलपी, देन नेक्स्ट इज कंप्लीशन ऑफ ऑल द पेंडिंग फॉर्म्स एंड फॉर्मेलिटीज जो है वो सब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे. कोई भी चीज अधूरी नहीं छोड़ी जाएगी जिस वक्त हमें एक एलएलपी का नाम हटाना है रजिस्टर ऑफ कंपनीज में से. देन नेक्स्ट इज अप्रूवल फ्रॉम द अथॉरिटीज, जितनी भी अथॉरिटीज जिनके साथ हम ट्रांजेक्शन कर रहे हैं इन्वॉल्व है हमारे वहां पे हम लोगों से अप्रूवल लेना है. एग्जीक्यूशन ऑफ एफिडेविट सेइंग दैट कि ये जो क्लोजर हो रहा है इट इज नॉट विद एन इंटेंशन टू कॉन्ट्रवीन एनी प्रोविजन ऑफ दैट और नॉट विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड एनीबॉडी. Application for striking of name of the LLP. उसके बाद में publication of notice that we are going to strike off the name of the LLP. किसी को objection है तो आइए बता दीजिए. Striking of name of the LLP. Provision for realization of amount due. ये जो पूरी procedural part हो रही है इसमें से अगर कुछ हमें payments करने हैं तो उसके लिए भी हम लोग provisions बना के रखेंगे. Notice of dissolution of the LLP के बारे में बात करेंगे. And फाइनली आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस 8-9 पॉइंट्स हमारी जो एलएलपी है उसका नाम हटा दिया जाएगा, दैट इज स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ द एलएलपी. लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स टू बी कंटिन्यूड इवन आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑफ द लायबिलिटी ऑफ ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स. व्हेन आई से डेजिग्नेटेड पार्टनर्स दीज आर दोज पार्टनर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग ऑफ द एलएलपी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एलएलपी, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेशन ऑफ द एलएलपी. तो इन सारे पार्टनर्स के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ एंड इनकी लायबिलिटी कैसी रहने वाली है, वैसी की वैसी रहेगी जैसे कि हम मानेंगे हमने एलएलपी को डिसॉल्व ही नहीं किया. इवन आफ्टर डिसोल्यूशन द लायबिलिटी ऑफ ऑल द डिजाइनेटेड पार्टनर्स वुड बी देयर एज इफ द एलएलपी हैज नॉट बीन डिसॉल्व्ड. ओके, अगर हम लोग इसका स्ट्राइक ऑफ करना चाहते हैं, व्हाट आर द वेज वेयर इन वी कैन स्ट्राइक ऑफ नेम ऑफ द एलएलपी? मैंडेटरीली बाय रजिस्ट्रार इन केस एलएलपी इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस फॉर प्रीवियस 2 इयर्स और मोर एंड वॉलंटरीली. अगर हमें जब नाम हटाना है एलएलपी का तो हमने उनको थोड़ा सा सजेशन भी दे दिया दैट भाई वॉलंटरी करना है तो आपको विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यहाँ पे मेरे लिए वर्ड देखे है ऑल द पार्टनर्स इन द एलएलपी, इन केस एलएलपी इज नॉट कैरिंग आउट एनी बिजनेस ऑपरेशन for a period of 1 year. Okay. Next question, बहुत ही interesting सा question है आपके लिए. Registrar of companies may file an appeal before NCLT for restoration of name of the company. Elucidate. यहाँ पे बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? As per section 252 of the Companies Act 2013, any person aggrieved by the order of the registrar notifying the company as dissolved under section 248 may file an appeal to the tribunal within a period of 3 years from the date of the order of ROC. Thus, an appeal can be filed by any person aggrieved by the order of the registrar and not by the registrar on his own. यहाँ पे ध्यान दीजिए आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है भाई सेक्शन 248 के बारे में बात कर रहे हैं यानी स्ट्राइकिंग ऑफ नेम ऑफ द कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं. अब हम क्या कहते हैं
कि आरओसी ने ना नाम हटा दिया कंपनी का, अब कंपनी का नाम हटा दिया है रजिस्टर ऑफ कंपनी इसमें से, और कल चल के खुद ही बोलते हैं यार चलो वापस रिस्टोर कर देते हैं, करते रहते हैं ये सब, खेलते रहते हैं हम लोग। तो क्या आरओसी अपने ऑर्डर्स के अगेंस्ट में जा सकता है? नहीं, आरओसी अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में नहीं जा सकता है। अगर किसी को करना है उसके अगेंस्ट में अपील करनी है तो वो कौन हो सकता है? वो वही पर्सन हो सकता है जो कि एग्रीव्ड है हमारे आरओसी के पास किए हुए ऑर्डर से। बहुत ही इंटरेस्टिंग से लिखा है हम लोगों ने, इसे चलिए पढ़ते हैं फिर से। As per Section 252 of the Companies Act 2013, any person aggrieved by an order of the registrar notifying a company as dissolved under Section 248, जब Section 248 के बारे में बात कर रही हूँ, यहाँ पे हमारे strike off के बारे में बात कर रही हूँ। Okay? May file an appeal to the tribunal within a period of 3 years from the date of order of ROC. Thus, appeal can be filed by any person aggrieved by an order of the registrar and not by the registrar against his own order. Next question जाएंगे। Concept भी revise कर रही हूँ questions के साथ में और important points को भी touch करती जा रही हूँ। Rahul and Priyanka formed a Young India Private Limited company under the Companies Act 2013. But the company would commence business due to deficiency in skills and tough competitions from another giant company, Modi Limited. They want to make an application to ROC Delhi to remove the name of the company from the records maintained by ROC. Advise them about the procedure to be followed in this regard. भाई हमारी कंपनी को बंद करना है, हमारी छोटी सी कंपनी यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अब इस तरीके से हम लोगों ने जो ऊपर पॉइंट्स देखे हैं उन्हीं में थोड़ा सा एडिशंस करते जाएंगे और उस बारे में बात करेंगे। दिस आंसर्स आर ऑन नॉलेज बिल्डिंग बेसिस। हमने जो ऊपर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं उसी में हम लोग और वैल्यू एडिशंस करते जाएंगे। तो अब जब ऊपर से लेके नीचे तक के सारे क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 20 के, आपके A to Z सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। And the best part of doing this marathon with the help of questions is, questions आपके दिमाग में एक छोटा सा curiosity को ignite करते हैं, आप सोचना चालू करते हैं, okay? An indemnity bond signed by every director of the company in form STK3, a statement of accounts containing assets or liabilities of the company made not older than, कितने दिन से पुराना चाहिए नहीं हमें, 30 दिन से पुराना नहीं चाहिए, from the date of application. अच्छा, सिर्फ आप statement of accounts भेज देंगे, यहाँ पे what देखिए statement of accounts है, 2 मिनट पे मैं आपको इस पे भी elaborate करूँगी। statement of accounts बना के भेज दिया तो चलेगा क्या? नहीं, यहाँ पे हमें certified chartered accountant दोस्त को बोलना है कि भाई sorry chartered accountant दोस्त को बोलना है आप मेरे data को certify कर दो, आप मेरे statement of accounts को certify कर दो। अब statement of accounts क्यों बोला जाता है? स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स लिख रहे हैं यहाँ पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं लिख रहे हैं। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम बताना चाहते हैं, देखिए कैसा है ये जो कंपनी हम बंद कर रहे हैं ना, ये कंपनी को हमारे को किसी के 31 मार्च को ही बंद करनी है? हम लोग पूरे ईयर एंड के बाद में सोचेंगे? नहीं, ये तो हम बीच में कभी भी सोच सकते हैं, एज ऑन दिस डेट सोच सकते हैं। तो इसीलिए हमें यहाँ पे वर्ड जो यूज करना है बहुत ध्यान देना है बच्चा आपको, यहाँ पे वर्ड जो हम यूज कर रहे हैं वो है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। एन एफिडेविट टू बी मेड बाई ईच डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इन फॉर्म STK4, यहाँ पे STK4 की भी एंट्री होगी। हर डायरेक्टर ऑफ द कंपनी को हमारे लिए STK4 में एक एफिडेविट बनाना है। अ कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन टू बी पास द जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी विच इज ड्यूली सर्टिफाइड बाई ईच ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी और द कंसेंट ऑफ 75% ऑफ मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल एज ऑन डेट ऑफ एप्लीकेशन इज ऑब्टेन्ड। अभी क्या किया गया है, ये जो हम लोग स्पेशल रेजोल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम सबसे पहले MGT 14 के बारे में लिख लेंगे, MGT 14, एंड इसको हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ पे चेंजेस आए हैं, सो दिस इज गोइंग टू बी 66%। ओके, ध्यान दीजिएगा। अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेंडिंग लिटिगेशन इफ एनी इन्वॉल्विंग द कंपनी, अगर कोई पेंडिंग लिटिगेशन है कंपनी के बंद करने के बाद में भी, अगर वो चालू रहने वाले हैं या कंपनी के साथ में कोई लिटिगेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है उसके बारे में भी हमें डिस्क्लोजर करना है एंड डिटेल्स ऑफ ऑल द डायरेक्टर्स। ओके,
नेक्स्ट जो हम लोग बात करने वाले हैं, एन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ कंपनीज व्हिच कैन नॉट बी रिमूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑन सुओ मोटो बेसिस अंडर द सेक्शन 248 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। जब यहाँ पे सेक्शन 248 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो 248 सेक्शन कौन सा है हमारा, जस्ट वन सेकेंड, सेक्शन 248, सेक्शन 248 है भाई हमारा, सेक्शन 248 है जहां पे हम लोग स्ट्राइक ऑफ करने के बारे में बात करते हैं। तो भाई हमने देख लेना है यहाँ पे कौन सी कंपनीज है जिनको हम लोग नहीं हटा सकते हैं, रजिस्ट्रार खुद के बेसिस पे नहीं हटा सकता है फ्रॉम दी कंपनीज एक्ट 2013 बोलता है कि भाई नहीं, सेक्शन 248 में रजिस्ट्रार हमारा सो मेटे बेसिस पे इसको हटा नहीं पाएगा। ओके, सो फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द कंपनी शैल नॉट बी रिमूव फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज अंडर रूल 3 and 4 ऑफ द कंपनीज रिमूवल ऑफ नेम ऑफ कंपनीज फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज रूल्स 2016। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं लिस्टेड कंपनीज के बारे में, वैनिशिंग कंपनीज के बारे में, बहुत सारी चीजों के बारे में, टोटल ऑलमोस्ट 10-11 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने बोला भाई एनसीएलटी के बिफोर में अपील हमारे रजिस्ट्रार नहीं कर सकते, बराबर सी बात है। लेकिन अगर हमारे रजिस्ट्रार को समझ में आता है कि इनके पास में जो फॉर्म सबमिट किए गए थे ये गलत तरीके से सबमिट हो गए थे, इनके पास में कुछ ऐसी डिटेल्स दी गई थी जो कि गलत थी, धोखा देने के हिसाब में सबमिट किया गया था, तो यहाँ पे हमारी एनसीएल के पास में रजिस्ट्रार भी अपील कर सकते हैं कि इस कंपनी का नाम फिर से रिस्टोर करना चाहिए। जनरल केसेस में डेफिनेटली रजिस्ट्रार अपने ऑर्डर के अगेंस्ट में अपील नहीं कर सकते हैं, बट अगर रजिस्ट्रार को पता पड़ता है कि हमारे पास में कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो बराबर नहीं दी गई थी, हमें छुपा के कुछ डिटेल्स दी जा रही है, तो वहां पे वो 3 साल के अंदर अपने इसमें रीअप्लाई कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4, लुक्स लाइक एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। राहुल एंड प्रियंका फॉर्मड अ यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बट द कंपनी वुड कमेंस बिजनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी इन स्किल्स एंड द कंपनी कुडंट डेफिनेट एक्चुअली द कंपनी कुडंट कमेंस बिजनेस ड्यू टू डेफिशिएंसी इन स्किल्स एंड टफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अनदर जॉइंट कंपनी दैट इज मोदी लिमिटेड। They want to make an application to ROC Delhi to remove the name of the company from the records maintained by the ROC. Advise them about the procedure to be followed in this regard. यहाँ पे आपको brief में procedural part है, साथ ही साथ में आपको इसको revise करते हुए बहुत help हो जाएगी क्योंकि ये आपसे सिर्फ direct important points पे बात करेगा। An indemnity bond to be signed by every director of the company in form STK3. Form STK3 के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। A statement of accounts. When I say statement of accounts मतलब उस दिन की information. Statement of accounts कर रहे हैं हम लोग, उस दिन की information के बारे में बात कर रहे हैं। यानी जिस दिन हमने सोच लिया कि अभी हमें company का नाम strike off करना है, वहां पे हमें ये चीज करनी है। Containing assets and liabilities of the company and made not older than 30 days from the date of application, और साथ ही साथ में CS के students अपने chartered accountancy के दोस्तों से बिल्कुल बहुत अच्छी गहरी दोस्ती बनाए रखिए क्योंकि आपको उनसे ये statement of accounts को certify करवाना है, and it's certified and to be certified by chartered accountant. An affidavit to be made by each director in company of the company in form STK4 and stamp duty जो रहेगी, stamp paper जो रहेगा उसका आपको 100 rupees का duly notarized. A copy of special resolution is to be passed at general meeting of the company which is duly certified by each of the directors of the company or the consent of 75% of the members of the company in terms of paid up share capital as on the date of application is to be obtained. Also a statement regarding pending litigations if any involving the company is also to be submitted and details of each of the directors is also to be given form. Enumerate the types of the companies which cannot be removed by the registrar on sua meta basis under section 248 of the Companies Act 2013. जिस वक्त मैं section 248 के बारे में बात कर रही हूँ, मैं आपसे discuss कर रही हूँ कौन सी company, I am talking about company which has
भाई ये हमारा स्ट्राइक ऑफ का सेक्शन है, तो हम कौन सी कंपनीज का रजिस्ट्रार जो है अपने आप से कैंसिलेशन नहीं कर सकते हैं, स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकते हैं कंपनी के नाम का। तो फॉलोइंग आर द कैटेगरीज ऑफ कंपनीज दैट शैल नॉट बी द नेम ऑफ व्हिच शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, लेट अस सी लिस्टेड कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो आपकी कंपनीज लिस्टेड है उनका हम नाम नहीं हटा सकते हैं। कंपनीज विच हैव बीन डीलिस्टेड ड्यू टू नॉन कंप्लायंसेस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशंस, जिनको डीलिस्ट किया है हमें उन्हें सबसे पहले लिस्टेड, दूसरा डीलिस्टेड कंपनीज, और नॉन कंप्लायंस ऑफ लिस्टिंग रेगुलेशंस और लिस्टिंग एग्रीमेंट और एनी अदर स्टैट्यूटरी लॉज, यहाँ पे जिनका हमने नाम डीलिस्ट किया है उनका भी आप नाम अपने आप से अपने डिसीजन से नहीं हटा पाएंगे। वैनिशिंग कंपनीज, ये वो कंपनीज है जो इस तरीके से गायब हो जाती है। भाई वैनिशिंग कंपनीज वो कंपनीज होती है जिनका मार्केट में से जिन कंपनीज ने अपना पैसा उठाया, अब पैसा उठाने के बाद में उन्होंने क्या किया, अपने रजिस्टर ऑफिस को ताला लगाया, रजिस्टर ऑफिस में से लोग गायब, डायरेक्टर्स गायब, पैसा गायब। 2 मंथ कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो वैनिशिंग कंपनीज को भी रजिस्ट्रार जो है सो मोटो तरीके से स्ट्राइक ऑफ नहीं कर सकता है। एंड ऑल्सो कंपनीज वे इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशन, हमारी कंपनी के अगेंस्ट में भाई इन्वेस्टिगेशन या फिर इंस्पेक्शन पेंडिंग है, तो इन कंपनीज का भी नाम हम हटा नहीं सकते, इज बीइंग ऑर्डर्ड और बीइंग कैरिड आउट, और एक्शंस ऑफ सच ऑर्डर आर टेकन और येट टू बी टेकन और टू वेर कंप्लीटेड, बट प्रोसिक्यूशंस अराइजिंग आउट ऑफ सच इंस्पेक्शन और इन्वेस्टिगेशंस आर पेंडिंग इन द कोर्ट। इनके अगेंस्ट में कोई जो प्रोसीजरल फॉर्मेलिटीज है, कुछ इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन स्टार्ट होने वाले हैं या पेंडिंग है या फिर कंप्लीट होने पे है या ऑर्डर कोर्ट में कुछ पेंडिंग है, कुछ भी चीज हो जो चालू हो या चालू होने वाली है, उन कंपनीज का भी नाम रजिस्टर ऑफ कंपनीज सो मोटो हटा नहीं पाएंगे। Companies where notices under Section 234 of the Companies Act 1956 or Section 206 or 207 of the Acts have been issued by the Registrar or the Inspector and reply thereto is pending, or report under Section 208 has not been submitted, or follow-up of the instructions on report under Section 208 is pending, or where any prosecution arising out of inquiry or scrutiny, if any, is pending with the court. यहाँ पे अगर आपके अगेंस्ट में कोर्ट में कोई फॉर्मेलिटीज चल रही है, उसका अभी तक आपको डिसीजन नहीं मिला है, पेंडिंग है, तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे, होल्ड पे डालेंगे। Companies against which any prosecution on for offence is pending in any court of law, यहाँ पे ध्यान रखिए हम उन companies के against में जिसके against में कोई procedural formalities चल रही है, कोई inspection, investigation, हमारी कोई report pending है, उसमें कुछ court में matter चल रहा है, इन सारी companies का हम लोग registrar को सो मोटो उनका नाम हटाने के बारे में हम लोग उनको permission नहीं देते हैं। कंपनीज उस एप्लीकेशन को कंपाउंडिंग इज पेंडिंग, जिन्होंने बोला है सरकार दुहाई हो अभी के लिए हमारी जो पनिशमेंट है उसको थोड़ी सी कम कर दीजिए, बिफोर द कंपाउंडिंग अथॉरिटी और कंपाउंडिंग द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कंपनी ऑल इट्स ऑफिसर इन डिफॉल्ट। कंपाउंडिंग प्रोसीजर जो पार्ट है जनरली स्पीकिंग वो पेंडिंग है। कंपनीज विच आर एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट्स विच आर ईदर आउटस्टैंडिंग और द कंपनी इज इन डिफॉल्ट ऑफ रीपेमेंट ऑफ द सेम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर है भाई, आपने पब्लिक से डिपॉजिट लिए है और आप उस डिपॉजिट को अभी तक पे नहीं कर पाए हो या फिर आपने डिफॉल्ट किया है उसको पेमेंट में, तो वो चीजें भी यहाँ पे आएगी। कंपनीज हैविंग चार्जेस विच आर पेंडिंग फॉर सैटिस्फैक्शन, कुछ चार्जेस है कंपनी के अगेंस्ट में लेवल, एंड द लास्ट वन कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 25 ऑफ द कंपनीज एक्ट 1956 और सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट। अब सेक्शन 8 बोला तो हमारे लिए भाई हमारी कौन सी कंपनीज आ जाएगी यहाँ पे, सेक्शन 8 बोलते बराबर, सेक्शन 8 वो कंपनीज है जहां पे हम लोग कहेंगे कि हमारी सेक्शन 8 किस में आ जाएगा, कंपनीज एक्ट लिखते जाइए साथ में, कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात करते हैं, और जब सेक्शन 25 कह रहे हैं यानी हम लोग नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सेक्शन 25 रहने वाला है हमारा कंपनीज एक्ट 1956 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। राधा मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड वांट्स टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, एन्यूमरेट द वेरियस ग्राउंड्स ऑन व्हिच कंपनी इज परमिटेड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी, ओके, फ्रॉम आरओसी, वेरियस ग्राउंड्स ऑन व्हिच कंपनी इज परमिटेड टू फाइल एन एप्लीकेशन फॉर रिमूवल ऑफ नेम ऑफ द कंपनी दैट इज फ्रॉम द आरओसी रजिस्टर ऑफ कंपनीज के हम कैसे हटा सकते हैं।
If a company has failed to commence its business within 1 year of its operation, within 1 year of its incorporation, or if the company is not carrying on any business or operation for a period of 2 immediately preceding financial years and has not made an application within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455. यहाँ पे हम देख रहे हैं कि भाई 455 में अगर आपने apply नहीं किया और आपने अपना business भी start नहीं किया है तो आप क्या कर सकते हो? Definitely apply कर सकते हो for striking off. अब approval of shareholders by special resolution or consent of 75% members in terms of paid up share capital is also required to be taken before filing an application to the ROC for removal of name of the company from the register of companies. भाई हमें दोनों चीजों के बारे में ध्यान रखना है. देखिए हम एक चैप्टर से दूसरे चैप्टर को किस तरीके से कितने इजीली हम लोग सेक्शन 248 से सेक्शन 455 की तरफ ट्रांजिशन कर रहे हैं. सेक्शन 248 कौन सा है हमारा? सेक्शन 248 इज योर स्ट्राइकिंग ऑफ. यहां से ही हम लोग बात कर रहे हैं विद रिगार्ड टू सेक्शन 455 यानी हमारे डोर्मेंट कंपनी के बारे में आ गया है. छोटा सा क्वेश्चन है बट दो सेक्शंस की एंट्री की वजह से आप लोगों को बढ़िया सा क्वेश्चन में वेटेज आ जाता है. लेट अस टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 21 दैट इज गोइंग टू बी योर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप. इसको हम लोग कह देते हैं भाई CIRP एंड ऑल्सो माई लिक्विडेशन एंड वाइंडिंग अप. जिस वक्त में CIRP के बारे में बात कर रही हूँ यहाँ पे मेरा आ जाता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड से दोस्ती बनाइए रखिए दोस्तों क्योंकि ये जो है दैट इज नीड ऑफ द आर. यहाँ पे हम लोग IBC के अंदर क्या बोलते हैं आपको ना दो तरीके के हम ऑप्शन देते हैं. एक तो आपको कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्लान CIRP यानी आपकी कंपनी को बचाने का मौका दे रहे हैं. दूसरा अगर आपको ये नहीं पसंद आ रहा है तो हम यहाँ पे आपको लिक्विडेशन की फॉर्मेलिटीज करने का भी मौका दे रहे हैं. अभी CIRP के बारे में जो हम लोग बात कर रहे हैं तो CIRP जो है हमारा किस तरीके से काम करता है. यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि हम आपके पास मदद के लिए किसको भेजेंगे? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को भेजेंगे. हम आपके लिए यहाँ पे आपको इंसॉल्वेंसी से मदद करने के लिए आपके पास एजेंट्स को भेजेंगे, प्रोफेशनल्स को भेजेंगे जो आपको इस दुविधा से, इस संकट से, घड़ी से बचने में मदद कर सकता है. साथ ही साथ में लिक्विडेशन के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम आपको सजेस्ट करने वाले हैं आप लिक्विडेशन के टाइम पे क्या करिए, लिक्विडेशन प्रोफेशनल या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को हम लोग बोलेंगे भाई अब आपका काम खत्म हो चुका है, आप अब किसका रोल में आ जाइए, आप लिक्विडेटर प्रोफेशनल के रोल में आ जाइए. और जब हम लोग लिक्विडेशन के बारे में बात करते हैं एक क्विक ओवरव्यू दे रही हूँ चैप्टर का तो यहाँ पे हम लोग वाटरफॉल अरेंजमेंट को भी डिस्कस कर लेते हैं कि भाई किस तरीके से हम लोगों को पैसा लोगों को देना है, रिटर्न जब पैसा करते हैं उस समय इनकेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड रेजोल्यूशन ऑफ द कंपनी. ओके so let us the first point let us see what is the distinguish between your insolvency and bankruptcy. kuch main points ko maine liya hai yahan pe. insolvency ko dekhte hain. when individual corporation or any other organization cannot meet its financial obligation for paying the debts they are called as insolvent. yahan pe aap aapke financial obligation ko jab fulfill nahi kar pa rahe ho उस समय आपको क्या कहा जाएगा कि आप क्या है, आप बन जाते हैं इंसॉल्वेंट. बैंकरप्सी ऑकर्स व्हेन द ट्राइब्यूनल हैज डिटरमिन्ड इंसॉल्वेंसी एंड गिवन लीगल ऑर्डर्स फॉर इट्स टू बी रिजॉल्व. जिस समय ट्राइब्यूनल्स ने ऑर्डर पास कर दिए, कहा है कि भाई अब इस इंसान को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, उस समय हम बन जाएंगे, हमारे क्या बन जाएंगे, हम लोग हमारे बैंकरप्ट हो जाएंगे. सिचुएशन क्या है इंसॉल्वेंसी के केस में देखते हैं. चलिए फ्रेंड्स, इंसॉल्वेंसी डिस्क्राइब्स अ सिचुएशन वेयर द डेटर इज अनेबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन, वेयर यू आर नॉट एबल टू फुलफिल और कंप्लीट योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. एंड बैंकरप्सी इज अ लीगल स्कीम इन विच एन इंसॉल्वेंट डेटर सीक्स रिलीफ. यहाँ पे हम बोलते हैं सरकार हमारी मदद करिए, हमारी हेल्प करिए. ओके,
defining the terms financial creditor and financial debt as per insolvency and bankruptcy code 2016. दोनों के sections आपके reference के लिए यहाँ पे मैं लिख चुकी हूँ. Section 5(7) financial creditor and section 5(8) C के बाद में D आता है, वैसे ही इसके बाद में section 5(8) आ जाता है. Financial creditor means any person whom a financial debt is owed and includes a person to whom such debt has been legally assigned or transferred to. Section 5(8) financial debt के बारे में बात कर रहे हैं. Financial debt means a debt along with interest, if any, which is disbursed against the consideration for the time value of the money. Let us see, अभी जो हम लोग बहुत सारे टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं उनके बारे में छोटे छोटे डेफिनेशन के साथ में कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं. Define the following terms as per the IBC. Insolvency commencement date. Insolvency commencement date के बारे में देख रहे हैं तो हमारा section है 512. Insolvency commencement date means the date of admission of an application. Admission of an application यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं admission of an application for initiating corporate insolvency resolution process by the adjudicating authority under section 7, 9, 10 as the case may be. However, where the interim resolution professional is not appointed in order admitting application under section 7, 9, 10, the insolvency commencement date shall be the date on which such interim resolution professional is appointed by the adjudicating authority. Just then, hamara interim resolution professional. Usually, interim resolution professional wo hota hai jo final resolution professional ke pehle appoint kiya jata hai by the adjudicating authority or by the creditors themselves. Liquidation cost. Liquidation cost means any cost incurred by the liquidator during the period of liquidation subject to such regulations as may be specified by the board. ये जो आपका liquidating liquidator professional है वो जो cost incur कर रहा है liquidator professional उसकी जो cost है उसको हम लोग क्या कहने वाले हैं liquidation cost. Liquidation commencement date means on which proceedings for liquidation commencement is in accordance with section 33 or section 59 as the case may be. Operational creditor, yani operational creditor means a person to whom an operational debt is owed and included any person to whom such debt has been legally assigned or transferred. जिसको पहली बात तो ये देख लेते हैं कि भाई operational यानि कौन वो जो हमारे business के day-to-day transactions में हमारा creditor बन चुका है. Operational debt यानि कौन सा? Operational debt means a claim in respect of provision of goods and services including employment or a debt in respect of payment of dues arising under any law for the time being in force and payable to central government or any state government or any local authority. Next is my resolution applicant section 525. Resolution applicant means a person who is individually or jointly with any person submits a resolution plan to the resolution professional person to the invitation made under section 25(2) ki bhaiya aaiye aapke paas mein koi resolution plan hai to aake aap submit kar dijiye. Resolution plan kya hai? Section 526. Resolution plan means a plan proposed by any person for insolvency resolution of the corporate debtor as a going concern in accordance with part 2. Resolution professional 527 section hai. Resolution professional means an insolvency professional appointed to conduct the corporate insolvency resolution process and includes an interim resolution professional. यहाँ पे हम दोनों चीज के बारे में बात कर रहे हैं. बट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल कौन है? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मींस एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड टू कंडक्ट द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस एंड इंक्लूड्स एन इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल. नेक्स्ट इज हु मे इनिशिएट द सीआईआरबी प्रोसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016. पर्संस हु मे इनिशिएट सीआईआरबी where any corporate debtor commits a default. Default kya hai? A financial creditor, an operational creditor or the corporate debtor himself may initiate the corporate insolvency resolution process in respect of such corporate debtor. यहाँ पे हम इसको एक flowchart के तौर पे देखते हैं. हम लोग बात करने वाले हैं भाई CIRP जो है वो कौन इनिशिएट कर सकता है. CIRP इनिशिएट कर सकता है सबसे पहले हमारा तो जो है ऑपरेशनल
भाई डिफॉल्ट बोला तो ये सब लोग आगे आ जाएंगे. देन फाइनेंशियल क्रेडिटर. लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो हमारा कॉर्पोरेट डेटर है उसको पता है कि भाई हमसे गड़बड़ी हो रही है, हमसे ये सब चीजें मैनेज नहीं हो रही है, तो कॉर्पोरेट डेटर भी खुद अपने अगेंस्ट में CIRP स्टार्ट कर सकता है. RKT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वॉज इनकरिंग लॉसेस एंड इट्स फाइनेंशियल पोजिशन वेंट from bad to worse. Now the company is undergoing a corporate resolution process. Dinesh, who is one of the senior employees of the company, has not been paid his salary for 3 months, amounting to 4.5 lakh rupees. हमने हमारे employee को salary नहीं दी है. He files for an application for initiating a CIRP process with adjudicating authorities. Analyze and say whether Dinesh is entitled to make an application to initiate CIRP. As per Section 4 of Insolvency and Bankruptcy Code 2016, if the corporate debt is more than 1 lakh, then corporate insolvency resolution and liquidation process can be initiated. But as per Section 6, where any corporate debtor commits a default, a financial creditor or an operational creditor or the corporate debtor himself may initiate the corporate insolvency resolution process in respect of such person or such corporate debtor. But as per Section 520, operational creditor includes a person to whom an operational debt is owed. Operational debt includes a claim in respect of an employment. यहाँ पे ये आपके लिए golden point है. Operational debts हम उनको भी include कर लेते हैं जिनका हम लोगों ने employee बनाया है अपना. उन लोगों को भी जो पैसा due है उनको हम लोग operational debt में include कर लेते हैं. Thus, employee of company to whom salary more than 1 lakh is due can initiate CIRP being operational creditor of the company under the IBC 2016. यानी अगर किसी employee को company salary नहीं दे रही है तो वो भी अगर 1 lakh से ज्यादा का due है तो वो अपनी company के against में CIRP जो है वो start कर सकता है. Explain the provisions relating to moratorium as contained in Insolvency and Bankruptcy Code 2016. Moratorium period जो है कहीं ना कहीं एक तरीके का holiday होता है जहाँ पे हम लोग कुछ कर नहीं हो रहे होते हैं कि भाई जिस समय छुट्टी पे है, आराम से है, relax है, एक तरीके की holiday होती है. अब ये holiday जब setting up के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं तो setting up में कैसी होने वाली है ये holiday जो है हमारी प्रोविजन से कंप्लायंस से इस तरीके का कुछ होने वाली है. मोरेटोरियम इज द डिले और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी ऑफ लॉ इन अ लीगल कंटेक्स्ट. इट मे रेफर टू टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ लॉ टू अलाउ अ लीगल चैलेंज टू बी कैरिड आउट. इट इज लीगल ऑथराइजेशन और डेटर टू द डेटर टू डिले पेमेंट्स ड्यू. सबसे इंपॉर्टेंट लाइन क्या है हमारी, ये जो लास्ट वाली लाइन है देखिए मैं रेड कलर के पेन से मार्क कर रही हूँ यहाँ पे. इट इज लीगल ऑथराइजेशन टू डेटर टू डिले पेमेंट ड्यू. यहाँ पे हम लोग क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे हम लोग उनको जो पेमेंट है वो डेटर के पास में उसको खुद से कहते हैं भैया आप डिले कर दीजिए, अभी के लिए आपको ये मोरेटोरियम पीरियड हम लोगों ने दिया है. Who shall not be entitled to make an application to initiate corporate insolvency resolution process under IBC 2016? Persons not entitled to make application under Section 11. Following person shall not be entitled to make an application to initiate corporate insolvency resolution process, namely a corporate debtor undergoing a corporate insolvency resolution plan or process, a corporate debtor having completed corporate insolvency resolution process 12 months preceding the date of making an application, or a corporate debtor or financial creditor who has violated, हमको violated वाले लोग बिल्कुल नहीं जमते हैं, any of the terms of the resolution plan which was approved 12 months before the date of making an application under this chapter, or a corporate debtor in respect of whom a liquidation order has been made. जिसको liquidation order को भी हम लोगों ने बना दिया है उसको भी हम यहाँ पे include नहीं करेंगे. A corporate debtor includes a corporate applicant in respect of corporate debtor. A corporate debtor includes a corporate applicant in respect of such corporate debtor also. Let us see difference between winding up and dissolution. Let us see what is the difference between winding up and dissolution. Winding up क्या है? It is a process whereby dissolution of a company is brought about and the company exits. But
डिसोल्यूशन इज गोइंग टू बी द एंड पीरियड, जहां पे कंपनी को हमने पूरा बंद कर दिया है, ताला लगा दिया है. इट इज द स्टेज ऑफ द कंपनी व्हेन बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली वुंड अप. Assets of the company in case of winding up, assets of the company is realized and debts are paid out of the amount so realized. If anything remains is distributed among the members of the company, that is shareholder. During winding up, a company may carry on its business. Processes carried out by the liquidator of the company, liquidator professional jisko kehte hain hum log. During process of winding up, any person can bring a claim for debt and the liquidator has to pay it. बहुत important point है, इसी को लेके मैं contradict करूंगी आपको dissolution में. And company can be sued also. If I am not, you know, if I am simplifying this, let's not make it more complicated. यहाँ पे winding up means आप start कर रहे हैं, और आपका अंत कहाँ है, आप कहाँ तक पहुँचने वाले हैं, dissolution तक. यहाँ पे हम लोग देखते हैं, भाई हमारा जो winding up है ये हमारा स्टार्ट है, तो अब ये स्टार्ट से हम एंड तक कैसे पहुंचने वाले हैं, दैट इज थ्रू डिसोल्यूशन. ओके, सो डिसोल्यूशन पढ़ते हैं अभी. इट इज द स्टेज ऑफ द कंपनी व्हेन बिजनेस अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंप्लीटली वुंड अप एंड कंपनीज एग्जिस्टेंस कम्स टू एन एंड. इट ऑकर्स आफ्टर ऑल द प्रोसेसेस ऑफ द कंपनी इज कंप्लीट. नो बिजनेस अफेयर्स कैन बी कैरिड आउट फर्दर. कुछ भी नहीं बचता अभी, कंपनी को फुली ताला लग चुका है. अ टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर कम्स टू एन एंड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी. आफ्टर डिसोल्यूशन बाय अ ट्राइब्यूनल ऑडिटर कैनॉट गेट हिज क्लेम सर्टिफाइड एंड द कंपनी कैनॉट बी सूड. जितने भी आपको सारे क्लेम्स लाने हैं, पूरे पार्ट लाने हैं, वो किसके तरफ जाने वाले हैं, आपके वाइंडिंग अप के तरफ जाने वाले हैं. उसके बाद में लेटेस्ट स्टेज में आपका डिसोल्यूशन जो है उसमें कोई भी चीजों का एडमिशन नहीं कराया जाएगा. गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट केस, एक्सप्लेन द सर्कमस्टेंसेस इन विच और एक्सप्लेन द केसेस इन विच अ कंपनी इज कंपल्सरी वाइंड अप बाय द ट्राइब्यूनल. जहां पे हम बोलते हैं कंपनी अब आपके बंद करने की बारी आ चुकी है, अब तो हमें आपको ताला लगाना ही पड़ेगा. देखते हैं ट्राइब्यूनल की एंट्री कब होती है. सर्कमस्टेंसेस इन विच कंपनी में बी वुंड अप बाय द ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 271(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के बारे में बात कर रहे हैं. अ कंपनी में ऑन अ पिटीशन बी वुंड अप बाय द ट्राइब्यूनल if a company has by special resolution resolved that the company be wound up by the tribunal, if the company has acted against the interest of the sovereignty and integrity of India. यहाँ पे हमने बोला है कि हम इंडिया के अगेंस्ट में जा रहे हैं, तो भी नहीं चलने वाला है. सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी के अगेंस्ट में आप जा रहे हैं. द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद एनी फॉरेन स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी. यानी आप सेम माइंड से काम नहीं कर रहे हैं. इवन एप्लीकेशन मेड बाय द रजिस्ट्रार और एनी अदर पर्सन ऑथराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन अंडर दिस एक्ट, द ट्राइब्यूनल इज ऑफ द ओपिनियन दैट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी वर फॉर्मड फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पस और अनलॉफुल पर्पस. उस समय भी हम लोग अगर गिल्टी है फ्रॉड मिसफीजेंस के, तो हमारी कंपनी के कंपल्सरी वाइंड अप की तरफ लेके जाएंगे. If the company has made in default in filing with the registrar its financial statements or annual returns for immediately preceding 5 consecutive years, अगर आप इस तरीके से भी काम कर रहे हैं तो आपकी कंपनी का नाम हटा दिया जाएगा. और साथ ही साथ में if the tribunal is of the opinion that it is just an equitable that the company should be wound up, अगर हम लोग इस तरीके से tribunal को लगता है कि भाई बराबर है, यहाँ पे हमने कंपनी को बंद कर देना चाहिए है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, आपकी कंपनी को बंद कर दिया जाएगा. Also, if you want to listen to more marathon videos, please subscribe to the channel HGPA and hit the bell icon. Thank you.